नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी ने यूपी की 75 सीटों में से 65 सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ बीजेपी ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में बेहद अहम, जिसमें बीजेपी के लिए बेहद अच्छी खबर है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव, जो कि सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर माना जा रहा था, ये बीजेपी ने जीत लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो वहीं अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन यह मुकाबला एक तरफा हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 65 सीटें हासिल की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 6 सीटें मिली हैं और इसके अलावा 4 सीटें अन्य के खाते में गई है। लेकिन अखिलेश यादव, जो लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने का सपना 2022 में देख रहे हैं, उनके लिए बेहद बुरी खबर है। बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि वो अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाए हैं। मैनपुरी, वो सीट जहां से हर बार समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट भी हार चुकी है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव और इन चुनावों के नतीजे अपने आप में ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्य है, जो काम उन्होंने किया है, उस पे अब मोहर लग चुकी है कि 2022 विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव कहीं ना कहीं मात्र औपचारिकता ही इस चुनाव के नतीजे माने जा रहे थे, क्योंकि जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई उसी वक्त आपको बता दें 20 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध जीत बीजेपी ने हासिल की थी। 21 जिले बीजेपी ने जीत लिए थे और महज 1 सीट, इटावा की सीट, अखिलेश यादव के खाते में गई थी। और उसके बाद आज 3 जुलाई चुनाव परिणाम सामने आए हैं, चुनाव हुए और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनाव अच्छी खबर लेकर आए हैं, क्योंकि 65 जिलों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। और सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ अखिलेश यादव के गढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया है, बल्कि इसके अलावा राकेश टिकैत, जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अपनी चुनावी कहीं ना कहीं यात्रा तय करने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीति चमका रही है, उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। राकेश टिकैत को उन्हीं के गढ़ में बीजेपी ने हराया है। मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो यह अपने आप में विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार बीजेपी को हराने का सपना 2022 विधानसभा चुनाव में देख रहे थे, लेकिन ये चुनाव नतीजे साफ तौर पर संदेश दे चुके हैं कि हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं वो साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव, जो कि बेहद अहम, 21 सीटें निर्विरोध बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी किसी का भी कोई प्रत्याशी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाया और निर्विरोध 21 सीटें बीजेपी ने हासिल की। इसके अलावा 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो आपको बता दें, बाकी उत्तर प्रदेश में बची हुई 53 जिलों की सीटों पर मतदान हुए, जिसमें आज चुनाव नतीजे सामने आए हैं और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें, ये चुनाव नतीजे इसलिए भी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तमाम सीटें जिस पर विपक्षी दलों का अब तक वर्चस्व था, समाजवादी पार्टी खासतौर पर, अगर बात मैनपुरी की जाए, गाजीपुर की जाए, तो पूर्वांचल के जो इलाके हैं वहां बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। यादवों को जो गढ़ माना जाता है उसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, जो कि साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि अखिलेश यादव को या
फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि रायबरेली जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां से भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो ये तमाम वो अहम सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और यहां तक कि किसान आंदोलन जिसे राकेश टिकैत चला रहे थे, और राकेश टिकैत का गढ़ मुजफ्फरनगर, जहां से भारतीय किसान यूनियन के ही उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार ने हराया है, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो राकेश टिकैत जो ये कह रहे थे कि दरअसल बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी हारी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नतीजे आएंगे, लेकिन ये नतीजे अब राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे रहे हैं। जिस तरीके से वो अपनी चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यों के सामने, उनके नेतृत्व के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जो ये नतीजे सामने आए हैं साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के नतीजे सामने आ चुके हैं, 65 जिले जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली की है। इसके अलावा प्रयागराज से भी यही तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया है। तो ये बौखलाहट है समाजवादी पार्टी की हार की जो लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने एक विधायक हरिओम यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ये हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह के बेहद करीबी और अखिलेश यादव के बेहद करीबी, लेकिन अब इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। ये बौखलाहट ही है जो इस तरीके के एक्शन लेने पर अब समाजवादी पार्टी मजबूर हो रही है, क्योंकि इससे पहले वो अपने 11 जिला अध्यक्ष को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तो ये बौखलाहट लगातार हार की समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा झटका जाहिर तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और किसान आंदोलन को चला रहे राकेश टिकैत को दिया है, क्योंकि ये तमाम लोग 2022 विधानसभा चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारी पर कहीं ना कहीं इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजों ने पानी फेर दिया है। वहीं आपको बता दें बीजेपी जो लगातार जीत का परचम जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में लहरा रही है, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आया है, जिन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी साफ, बीजेपी टॉप। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है जो जाहिर तौर पर खुशी जाहिर की जा रही है जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। और आपको बता दें बीजेपी की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर कब्जा रहा है, और पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने इन्हीं चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तस्वीर चुनावों की पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। जो बीजेपी ने जीत 2017 में हासिल की, उसके बाद लगातार जो विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साफ संदेश दे दिया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही भरोसा जनता दिखा रही है। लगातार किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत की कोशिश भी यही है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, लेकिन कोशिशें पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये चुनाव नतीजे सामने आते ही ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो तमाम अहम सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जिसके बाद लगातार बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चुनाव नतीजों पर खुशी जाहिर की जा रही है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बेहद बड़ी जीत इन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जीत अब उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की राह तय करेगी। और बीजेपी की यह जीत साफ तौर पर बता रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों की राह बेहद मुश्किल होने जा रही है। ना सिर्फ बीजेपी की यह जीत बता रही है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिये भी बता रहे हैं। फिलहाल बौखलाहट लगातार विपक्षी पार्टियों में बड़ी हुई है, जिसको लेकर लगातार निशाने जो हैं वो बीजेपी पर साधे जा रहे हैं। धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया गया, नामांकन नहीं दाखिल करने दिया गया, ये तमाम बड़े आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की अब कहीं ना कहीं
राजनीति पूरी तरीके से ध्वस्त होती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन अखिलेश यादव को इन चुनाव ने बड़ा झटका दिया है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बेहद बड़ी जीत है। लाल, आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।